नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और रेस्क्यू के लिए आया हूँ गांव जैसरी माचड़ी। नाम क्या है इनका? गोपी साय मीणा। गोपी साय मीणा जी के घर पे एक सांप बैठा है दोस्तों। आ जाओ। अरे सांप ही खेल अभी बताऊं तो मना सोचो मारना क्यों अगर ये किसी को गलती से, पहली बात तो काटता नहीं है ये ना, ये जो फड़फड़ा रहा छूटने के लिए, अगर काट भी लेना तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता इंसान, कुछ भी नहीं होता भाई साहब इसके काटने से, डरने वाली बात नहीं। और आप फिर वापस आ रहे हैं, सांप वापस नहीं आएंगे। दोस्तों ये धामन सांप है जिसको घोड़ा पछाड़ और रेड स्नेक के नाम से जानते हैं, बिना जहर वाला सांप है। और इन लोगों के दिमाग में एक भय बना हुआ है कि एक सांप इन्होंने पहले मार दिया, और दूसरा सांप इनको इस घर में दिखाई दिया है, तो एक भय बना हुआ है दिमाग में कि कहीं ये नागिन तो नहीं है और बदला लेने आ गई। देखो बदला सांप लेते नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव में लोगों के दिमाग में भय बन जाता है। और ये सांप बिना जहर वाला है, गलती से अगर इंसान को काट भी लेगा तो इसके काटने से इंसान मरेगा नहीं। चलो एक बोरी कट्टा दे दो, मैं रख लूँगा। ना तो नाग ना नागनी धामने नाग नागिन अलग कुंजा डरने वाली कोई बात कमला की नार में लटका दे भाई यार। अब तुम घबराने वाली बात नहीं, बहुत कुछ छोड़ने यहाँ से कम से कम 30 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों ये सांप मैंने जहाँ से रेस्क्यू किया वहाँ पे एक सांप किसी ने मार दिया, और अभी मैं यहाँ रिलीज करने के लिए लेके आया हूँ। वो लोग बोल रहे कि इसको इतना दूर छोड़ना, बोले छोड़ना ही मत, इसको मार देना नहीं तो वापस आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। किसका कट्टा दे दिया? आटे का कट्टा दे दिया। वो तो छोड़ने के लिए ही मना कर रहे थे दोस्तों कि इसको छोड़ना मत, नहीं तो ये वापस आ जाएगी और किसी को काट लेगी। तो दोस्तों सबसे जो मेन बात है कि सांप वापस नहीं आते इस तरीके से, और उन्होंने कोई दूसरा सांप मार दिया होगा, हो सकता है वो कोबरा हो सकता है वो रेड स्नेक ही हो, और एक दो दिन बाद ये इसको दिखाई दिया, क्योंकि जो घर होते हैं ज़्यादातर लोगों के खेतों के आसपास होते हैं, और जब कोई दूसरा सांप वहाँ पे दिखाई दे जाता है तो जो अंधविश्वासी लोग होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बैठती है कि या तो वो रिटर्न जीवित होके आ गई या फिर नागिन बदला लेने आई है। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, सांप कभी भी वापस नहीं आते। तो दोस्तों मैं इसको भी यहाँ इस जंगल में छोड़ रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ इस जंगल में जाने दिया जाए। ये देखिए ये चला गया,
ये चला गया दोस्तों।